अगर आप ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी देख रहे हैं 8 मरले की 3 BHK, तो मेरे पास आपके लिए बिल्कुल आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से 3 BHK फ्लोर है। सारे फ्लोर्स अवेलेबल हैं, रूफ लाइट वाला भी है, नीचे वाले भी हैं और बीच के भी हैं। तो आज मैं आपको ऐसी ही प्रॉपर्टी दिखाने वाला हूँ। लोकेशन के हिसाब से सबसे प्राइम है, और ऊपर से बात करूँ ईस्ट फेसिंग और एज पर वास्तु। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पार्थ और मैं आपके लिए लेके आता हूँ बहुत ही अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़, जो कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती हैं, और आप भी अपनी रिक्वायरमेंट में से शेयर करके वैसी ही प्रॉपर्टीज़ और भी देख सकते हैं। काफ़ी एक बुके ऑफ फ्लोर्स है हमारे पास, जो कि हम आप तक लेके आने की कोशिश करते हैं। आज आइए दिखाता हूँ मैं ऐसा ही एक अच्छी हैंड पिक्ड प्रॉपर्टी, जो कि ईस्ट फेसिंग है, सेक्टर 28 की हमारी प्रॉपर्टी है। आसपास की लोकेलिटी की बात करूं, अप्रोच की बात करूं, तो बिल्कुल ही प्राइम लोकेशन है। गोल्फ कोर्स रोड हो गई, DLF गैलेरिया मार्केट हो गई, उसके अलावा गोल्डसूक रोड हो गई, सब कुछ यहां से 2 से 5 मिनट्स की दूरी पे ही है। तो आइए अब हम देखते हैं हमारा ये वाला फ्लोर। Sniffing on the AM like I got a cold. Need to know, nah, you don't need to know. Need to know, nah, you don't need to know. How we got up here, you don't need to know. Hit me, but I keep you on a need to know. Came up from the bottom, started from the floor. Working 10 to 10 and a 10 to 4. Eyes under my eyes on my mommy floor. Always know the plan, I know dummy knows. आइए फटाफट से मैं आपको दिखा देता हूँ हमारा ये वाला जो फ्लोर है। एंटर करते ही काफ़ी ग्रैंड से फीलिंग आ रही है। तकरीबन 27 फुट बाय 14 फुट का हमारे को ये हॉल मिल जाता है, जो यहाँ पे हमारी एक यहाँ पे डाइनिंग टेबल प्लेस कर सकते हैं। इसी के पास में हमारा ये कि गेस्ट वॉशरूम है, अभी लॉक्ड है क्योंकि इसमें सामान रखा हुआ है, काम चलने लग रहा है। इधर से ही अगर हम राइट साइड में देखें तो हमारी किचन आ जाती है। किचन का भी काफ़ी अच्छा ग्रे एंड वाइट का पूरा थीम में इंटीरियर चल रहा है। सारी चीज़ें अभी पैकिंग से खुली नहीं है, इस वजह से अभी आपको दिखाई उतनी प्रोजेक्शन अच्छी नहीं आ पाएगी, बट हाँ आपको ओवरऑल लेआउट समझ में आ जाएगा। और प्रॉपर्टी थोड़ी सी एक्सक्लूसिव है इस रेट जो बजट है उसके हिसाब से, तभी मैंने सोचा कि पहले ही आपको एडवांस में ही ये प्रॉपर्टी दिखा दूँ। आगे अगर हम बैल्कनी के टूवर्स जाएँ, अच्छी खासी कंफर्टेबल साइज़ में पूरी पूरी बैल्कनी मिल जाती है। थ्रू एंड थ्रू रनिंग पूरी हमारी बैल्कनी रन आउट हो रही है। कुछ अगर यहाँ पे अपना कुछ आर्टिफिशियल गार्डन क्रिएट करना चाहें, अगर आप स्विंग रखना चाहें, आप सब कुछ यहाँ पे प्लेस आउट कर सकते हैं। हॉल में टीवी यूनिट पूरी प्रॉपर तरीके से डिज़ाइंड है, और आजकल जैसे डिज़ाइनिंग चल रही है उसी हिसाब से आपकी ये ग्रे एंड वाइट थीम में पूरी की पूरी डिज़ाइनिंग चल रही है। फॉल सीलिंग भी देखें, फॉल सीलिंग भी अच्छी मॉडर्न कंटेम्प्रेरी लुक में पूरी पूरी डिज़ाइंड है। डबल कोव में पूरी की पूरी हमारी स्क्वायरिश डिज़ाइन में ये फॉल सीलिंग भी प्रॉपर तरीके से डिज़ाइंड है। फ्रंट में जैसे ही हम आ जाते हैं, हमारा ये रूम नंबर 1 है। अप्रॉक्सीमेटली इसका मैं साइज़ बताऊँ तो आपको 12x13 का हमें ये फ्रंट साइड का हमारा रूम मिल जाता है। इसमें भी आपकी टीवी यूनिट डिज़ाइंड है, पेंट एंड पॉलिश वर्क चल रहा है, तो अभी इसकी फिनिशिंग आपको नहीं प्रॉपर आएगी। डोर देख लें, डोर्स भी सारे सेम थीम पे चल रहे हैं, और इनके हैंडल्स देखें तो एक रोज़ गोल्ड फिनिश के इनके हमारे हैंडल्स डिज़ाइन है। फॉल सीलिंग भी ऊपर देखा जाए तो एक डिफरेंट स्टाइल में आपका पजल थीम पे पूरी की पूरी फॉल सीलिंग डिज़ाइन है। अब हम चल रहे हैं पीछे की तरफ, हमारे दोनों जो रूम्स हैं, बाकी दोनों बचे हुए रूम्स। साइज़ जैसे ही एंटर करते हैं काफ़ी अच्छा आता है, जो हमारा प्लॉट साइज़ है 250 गज का, हमारा 8 मरले का ये प्लॉट है हमारा, उसके हिसाब से जो साइज़ निकाले हैं बहुत ही बढ़िया निकाले हैं। तकरीबन 13x14 के आसपास का हमारा ये रूम है। ऊपर फॉल सीलिंग देखे, कोव रन हो रही है, एंड बीच में काफ़ी अच्छी POP की मोल्डिंग के इसमें डिज़ाइनिंग हुआ हुआ है। बैक साइड पर बालकनी है पूरी की पूरी रनिंग, बालकनी स्पेस अच्छा मिल जाता है, यूटिलिटी स्पेस है, वॉशिंग मशीन रखना चाहें, कपड़े सुखाने हो, या उसके अलावा कुछ आपको अपने हिसाब से यूज़ करना हो, आप उस हिसाब से बालकनी को यूज़ आउट भी कर सकते हैं। वॉशरूम में अभी आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि इसमें फिटिंग्स नहीं लगी हैं, बट जल्द ही हमारा 15-20 डेज के अंदर इसमें काम भी फिनिश हो जाएगा। अब हम आगे हमारे रूम नंबर 3 के टूवर्ड्स, तकरीबन 12x14 का अगेन हमारे पास ये रूम आ जाता है। TV यूनिट डिज़ाइन है, फॉल सीलिंग हर एक रूम में डिफरेंट डिज़ाइन की फॉल सीलिंग इन्होंने करवाई हुई है बिल्डर ने।
एंड अगर ये एंटर करें, ये वाला हमारा मास्टर बेडरूम है, तो वॉशरूम सबसे बड़ा होने वाला है। अगेन फिटिंग्स अभी हमें इंस्टॉल नहीं हुई है, इसमें वार्डरोब भी अच्छी खासी सेक्शनिंग इसमें वार्डरोब की दी गई है। अब हम आगे हमारे रूफ के ऊपर, रूफ पे जैसे ही हम एंटर करते हैं ग्रैंड सी फीलिंग आती ही आती है, क्योंकि ये हमें पूरी की पूरी रूफ मिल जाती है। टाइल्स भी नीचे अगर हम देखें तो डिज़ाइनर पैटर्न स्टाइल में पूरी की पूरी इन्होंने टाइल्स प्लेस करी हुई हैं। ओवरऑल प्रॉपर्टी अगर दिखाऊं तो रूफ राइट वाला फ्लोर भी अवेलेबल है, और इसके अलावा हमारे पास अभी तो बाकी वाले फ्लोर्स भी इसमें अवेलेबल है। सो फ्रेंड्स, आज हमने देखा हमारा 8 मरला का 3 BHK फ्लोर। साइज़ में बात करूँ तो मैं तकरीबन 250 गज के आसपास का ही इसका फ्लोर साइज़ है, आपका प्लॉट साइज़ है। और उसके बाद हमारी जो फेसिंग है, ईस्ट फेसिंग की काफ़ी रेयर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ईस्ट फेसिंग और वास्तु परफेक्ट चीज़ें, ये उनमें से एक है। सेक्टर 28 में ये हमारी प्रॉपर्टी पड़ती है। और अगर मैं क्लोज प्रॉक्सिमिटी में बताऊं, गोल्फ कोर्स रोड हो गया, गैलेरिया मार्केट हो गया, और आपका गोल्ड सूक रोड हो गया, सारे के सारे यहाँ से विद इन 2 से 5 मिनट्स की ड्राइव अवे ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो लोकेशन तो बिल्कुल हमारी बिल्कुल ही प्राइम पड़ती है, आसपास में मार्केट्स हो गए, जो भी सारी यूटिलिटी की चीज़ें हैं वो भी पास में है, स्कूल्स हो गए, बड़े बड़े रिनाउंड हमारे स्कूल्स भी हैं इसमें। तो अगर इसमें से आपको ये प्रॉपर्टी अच्छी लगी हो तो सबसे पहले मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और जो भी रिक्वायरमेंट हो आप वो मेरे तक लेके आ सकते हैं। स्क्रीन पे मेरा नंबर भी फ्लैश हो रहा है, और जैसे जो रिक्वायरमेंट है आपकी आप उस हिसाब से मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, डिटेल्स ले सकते हैं, और मैं आपके लिए विजिट्स इसकी कंडक्ट करा सकता हूँ। तो सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज़ भी हमारे पास होती हैं, अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, हर एक बजट रेंज में हमारे पास प्रॉपर्टीज़ बेसिकली अवेलेबल होती हैं। तो मिलते हैं हमारी अब नेक्स्ट वीडियो में, और डिफरेंट डिफरेंट काइंड के मैं आपके लिए फ्लोर लेके आता रहूँगा ऐसे।